हाँ जी, तो अब आ गए हैं कनाडा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आए कैसे हैं भाई, पहुंचे कैसे। तो मैं आया हूँ मॉन्ट्रियल, ठीक है, वाया मैं इंडिया से आया हूँ मॉन्ट्रियल वाया कायरो इजिप्ट, इजिप्ट के रास्ते से। अभी तो ऑफ कोर्स ही बात है इनडायरेक्ट फ्लाइट्स का नहीं है सीन, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई हैं, बट सूनर और लेटर कभी पता नहीं लगेगा यार, कोविड के केसेस बढ़ जाएंगे, इनके नखरे फिर से बढ़ जाएंगे और ये लोग फिर से इनडायरेक्ट रूट शुरू कर देंगे। तो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं कह सकते आगे का क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। एनी हाउ, बात करते हैं कि मैं जिस रूट से आया वो रूट कैसा था और क्या क्या रहा पूरे रूट पे। और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बिकॉज मैं वो इंसान हूँ जिसको ट्रैवल बिल्कुल पसंद नहीं है, पसंद नहीं था। अब बिकॉज 7 समंदर पार करके हम आ रहे हैं, तो ट्रैवल पसंद ना रहने वाली तो कोई बात ही नहीं आती। इट्स लाइक कि ट्रैवल पसंद ही पसंद है, अब तो वो कोई वो वाला इशू ही नहीं है। स्टार्ट होती है जर्नी हमारी इंडिया से। मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो मैंने कभी शायद ही रेलवे ट्रैवल भी नहीं किया इंडिया के अंदर। इंटरनेशनल फ्लाइट तो बहुत दूर की बात है, मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट भी नहीं ली, मैंने एयरपोर्ट का चेहरा नहीं देखा, मैं वैसा बंदा हूँ। ठीक है, कभी जाना ही नहीं पड़ा बाहर यार। आई एम 23 राइट नाउ, पहले स्कूल फिर बीटेक मतलब कॉलेज 4 साल का, कॉलेज के जस्ट डायरेक्ट बाद आई हैव कम फॉर मास्टर्स। हाँ तुम निकल जाओ भाई पहले। ठीक है, तो मास्टर्स से पहले कभी निकलना ही नहीं पड़ा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया नहीं है कभी। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा लाइक आई वाज सो मच टाइट ऑन डॉक्यूमेंट, सो मच वरीड अबाउट स्टफ कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बट ठीक है, एनी हाउ कुछ कुछ करके हमने कुछ कुछ करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे डन कर दिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स डन करके हमने मैंने लाइक टोटल 3 सेट उठाए अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के, अराउंड लाइक इतना इतना मोटा मोटा पूरा का पूरा पेपर के रिम खत्म कर दिए भाई, इतने डॉक्यूमेंट्स बने। ठीक है, बैगेज की रिस्ट्रिक्शंस थी, 23 kgs के 2 सेट्स अलाउड थे, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं थे, और एक हैंड बैग अलाउड था 8 kgs का, जिसमें कि लैपटॉप और आई थिंक माई हेडसेट और मेरा कैमरा और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैंने डाल दिए। नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सारे के सारे उसमें थे, बिकॉज हर बारी सिक्योरिटी पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स निकालना, बिकॉज माई ब्रदर हैज ऑलरेडी वर्कड इन एयरलाइंस, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को था। हर बारी सिक्योरिटी चेक होगा, हर बारी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सारे निकालने पड़ेंगे, तो इश्यू रहेगा। इसीलिए मैंने सिर्फ लैपटॉप अपना रखा अपने साथ, बिकॉज ट्रैवल के टाइम पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए है जो कि फोन में भी नहीं है, मेरे पास पेपर में भी नहीं है, तो लैपटॉप में फिर भी काम आ जाएगा। चलो ये हुआ। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं IGI T3 एयरपोर्ट। T3 पहुंच के मैंने लाइक पहली बार मैं T3 आ रहा था। ठीक है, T3 आए, बैगेज हमने चेक किए, वेट चेक किया। वी वर अ क्रू ऑफ 8 पीपल, ओ सॉरी 6 पीपल, वैसे 8 थे बट 2 लोग कोलकाता से आ रहे थे और हम लोग वी वर 6 पीपल, वी वर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। फ्लाइट थी हमारी सबसे पहले की कतर एयरवेज। ठीक है, कतर एयरवेज की छोटी वाली मुर्गी थी एयरबस, ठीक है, बोइंग नहीं था मैं मुर्गी बुलाता हूँ उसको, मेरे को लाइक बहुत ही छोटी थी भाई, लिटरली मतलब जान निकल गई मेरी, कुछ नहीं कोई नहीं, आगे फोटोज वोटोज आएंगी तब देखना कि क्या होता। तो वैसा वाला सीन था। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होता है, सबसे पहले चेक होता है कि आपका वेट क्या है लगेज का। वेट चेक हुआ, जो मेरे आगे वाले थे मेरे ही क्रू के, उन 2 लोगों की थोड़ी सी दिक्कत आई, बिकॉज उनका वेट एक्सीड कर रहा था, मेरा वेट एक्सीड नहीं कर रहा था। उन लोगों को थोड़ी सी थोड़ा सा इशू आया, मेरे को कोई इशू नहीं आया, पूरा प्रोसेस स्मूथली डन। देन कम्स द इमिग्रेशन पार्ट। फिर इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन के अंदर भी इट वॉज वेरी स्मूथ, मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट लिया, कहा भाई कैनेडा कितने चले हो, कैनेडा चलो जी जाओ अगले लंगो, कोई दिक्कत ही नहीं करी। ठीक है, बहुत स्मूथ निकला। अब भाई जब इमिग्रेशन हो जाता है ना, उसके बाद आपको लगता है कि चल भाई अब सब डर, अब चिल आउट सीन है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो बस चढ़ना है और हो गया काम। भाई असली बसड़ शुरू हुई तब, रीजन बीइंग मैं चिल आउट हो गया उसके बाद। ठीक है, मैं ज्यादा अटेंटिव नहीं था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया चीज़ों पर, आई वॉज लाइक चल अब तो सभी हो ही जाएगा, अब तो कोई इशू है नहीं, अब कोई दिक्कत आने नहीं वाली। तो हमने बस पानी की बॉटल ली, थोड़े बहुत INR थे मेरे पास, अभी भी INR रह गए हैं, इवन आई हैव कम टू कैनेडा अभी भी मेरे पास INR पड़े हैं, बट कोई नहीं वो काम में आएंगे, अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होती तो ऑफ कोर्स ही बात है काम में आएंगे। एनी हाउ, तो 2 पानी की बॉटल ली, उसके बाद हम आगे गए, आगे जा करके अपना हमारा जहाँ पे बोर्डिंग पास स्कैन होता है, ठीक है, तो बोर्डिंग पास स्कैन होने वाला था, और मैं भाई नया, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मेरे को पता नहीं था कि बोर्डिंग पास स्कैन होके वो वापस भी देता है। वो बंदा कतर एयरवेज पे नीचे मुंह करके लगा हुआ है बस वो स्कैन करने में, और दे ही जा रहा है ऊपर। भाई भसड़ भसड़ में मेरा जो स्कैन जो बोर्डिंग पास था वो मेरे पीछे वाले बंदे के पास चला गया, मेरे पीछे वाला बंदा हरामी, ठीक है,
उसने क्या किया, अपने पास रख लिया, बिकॉज माइन वॉज अ विंडो सीट, उसने उसके पास दो बोर्डिंग पास हो गया। वैसा तो कोई भी डफर नहीं होगा यार, लिटरली मेरे को भी इतना पता है कि भाई दो बोर्डिंग पास है, मेरे पास किसी और के नाम का बोर्डिंग पास है, उस पर नाम लिखा हुआ है साफ साफ, तो ऑफकोर्स ही बात है मैं उसको दूंगा, या फिर मैं जो बंदा जिसने मेरे को दिया मैं बोल दूंगा दिस इज नॉट माइन, ठीक है, अगर तू जेन्युइन है तो। अब भाई हम नीचे गए, नीचे गए बोर्ड करने वाले हैं, उसने मेरे से मांगा बोर्डिंग पास, मैंने कहा नहीं भाई वो तो मैंने ऊपर दे दिया, मेरे को पता नहीं कि बोर्डिंग पास तुम्हारे पास होना चाहिए, मेरे को लगा भाई कुछ कुछ कटता होगा, कुछ होता होगा, कुछ प्रोसेस होगा इनका। भाई साहब 5 मिनट पहले बोर्ड होने से, लिटरली तो 4:30 की बोर्डिंग थी और 4:25 कुछ ऐसे थे, मेरे को बोल रहा है कि सॉरी सर यू कांट बोर्ड, आपके पास बोर्डिंग पास ही नहीं है। मैंने कहा भाई इतना पूरा रास्ता काट के मैं आ रहा हूँ तो ऐसे कैसे मैं काट लूंगा, तो खुद सोचना एक मिनट के लिए। बट अगेन दे न्यू कि उनकी प्रॉब्लम है, अगर बंदा इतना रास्ता पूरा काट के आ रहा है और वो उस पास उस वाले डोर से उस वाले दरवाजे से निकल चुका है जहां पे एक्चुअल में बोर्डिंग होती है, तो मतलब कि उसके पास बोर्डिंग पास था, इट्स बट ऑब्वियस। भाई वो मेरे को ऊपर ले गए, आई प्लीडेड देम, आई ऑर्डर्ड देम, आई रिक्वेस्टेड देम, मैं गुस्सा हुआ, सारे इमोशंस डाल दिए, ठीक है। तब जाकर के उन्होंने जितने भी पैसेंजर्स थे सबके बोर्डिंग पास चेक करे, उस बंदे के पास निकला, मेरे को नहीं बताया कि उस बंदे के पास निकला है, ठीक है, बिकॉज ऑफकोर्स फ्लाइट डिले हो जाती, मैं भी बवाल खड़ा करता। उन्होंने मेरे को नहीं बताया, उन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी। आई आस्क्ड देम कि भाई क्या सीन है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, एंड दे सेड कि सर इट्स जस्ट लाइक 2 मिनट्स टू फ्लाइट, इफ यू वॉन्ट टू बोर्ड, इफ यू वॉन्ट टू सिट जस्ट सिट। और मैं लिटरली बैठा हूँ, मैंने आई जस्ट फास्टन माई बेल्ट और प्लेन टुक ऑफ। लिटरली माई ब्रदर सेड कि भाई जब तू प्लेन में बैठेगा ना तो ना लाइक जब वो टेक ऑफ करता है तो यू विल फील अ प्रेशर, यू विल फील कि भाई तेरा ब्लड पूरा नीचे जा रहा है, इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर अ फ्लाइट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और प्रेशर वेशर तो क्या फील करना था, मेरे को लिटरली कुछ फील नहीं हो रहा था। आई थॉट लाइक कि कुछ, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल, मतलब मेरे को उल्टी जैसा लग रहा था, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल, मतलब अजीब, बहुत अजीब लग रहा था, इट वॉज अ वियर्ड फीलिंग एट ऑल। भाई लिटरली 5 मिनट पहले आपकी फ्लाइट से वो बोर्डिंग के लिए मना करते, आई वॉज अबाउट टू क्राई, ठीक है, मैं लिटरली फ्लाइट में रोने वाला था, मेरी ऐसी हालत हो रखी थी। आई मेरे जो जितने बाकी दोस्त थे उन्होंने मेरे को लाइक दे गिव मी चॉकलेट, दे गिव मी स्टफ टू ईट, ताकि थोड़ा सा पानी वानी दिया उन्होंने ताकि हौसला सा आ जाए बस एक बारी। भाई फिर जब तक मैंने खाना नहीं खाया फ्लाइट में तब तक भाई मेरे को चैन नहीं पड़ा, फिर मैंने खाना खाया तब जाके थोड़ा आई वॉज लाइक बैक टू नॉर्मल। बट अगेन माई फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई दिस इज अ रूल ऑफ एयरलाइन, तुम जो चीज़ दे रहे हो मेक श्योर तुम वो वापस लो, अगर नहीं ले रहे तो उसकी रिसीविंग लो। एंड दैट थिंग आई केप्ट इन माई माइंड पूरे रास्ते, उसके बाद से इट वॉज वेरी फ्लुएंट। दैट वॉज द बिगेस्ट हर्डल आई फेस्ड पूरे रास्ते के अंदर, मेरी केयरलेसनेस, कतर वालों की केयरलेसनेस, उस बंदे का हरामीपना, जो भी कुछ भी कह लो, बट इट वॉज लाइक ऑल कम्बाइंड अमेलगमेशन ऑफ एवरी थिंग कम्बाइंड ऑन टू माई थिंग, और मेरे पे इफेक्ट आने वाला था, बस बच गया बाई गॉड्स ग्रेस, आई डोंट नो क्या था। एनी हाउ हुआ, काट के आगे निकले, निकल के कायरो के सॉरी कतर से हम निकले, हम पहुंचे दोहा, कतर दोहा, ठीक है। दोहा वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, लाइक हमने ऊपर से देखी और हमने लाइक वी हैड अ 3 आवर स्टे एट कतर दोहा। काफ़ी लोगों को जो लोग दोहा से जा रहे थे उनका 10-10 दिन का स्टे था, उन्होंने बताया काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी, लाइक माई रूम पार्टनर वो दोहा से आया 10 दिन रह के, तो उसका भी हम लोग शेयर कर रहे होंगे, उसके साथ भी मैं पता नहीं, मैं मानता ही नहीं मानता, थोड़ा शाय टाइप का आदमी, बट देखो हम लोग शेयर कर रहे होंगे अगर वो मानेगा तो। मेक्सिको का भी एक बंदा है, मालदीव का भी एक बंदा है, सबका शेयर करेंगे कि क्या प्रोसेस रहा, कैसा रहा, तुम्हें भी देखने को मिलेंगे अलग अलग सीनरीज, अलग अलग जगहों की पिक्चर्स और उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। यार लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ट्रैवल करके एक बात तो समझ में आ गया, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जितना तुम निकल सकते हो, जितना तुम आ सकते हो, लिटरली भाई आई हैव ग्रोन 5 ईयर्स इन दिस 20 डेज ऑफ लाइक इन द सॉरी 3 डेज ऑफ ट्रैवल, और ऑफ कोर्स लाइक 4 to 5 डेज यहाँ पे मॉन्ट्रियल आके भी, आई हैव लिटरली ग्रोन, माई एज हैज ग्रोन बाय 5 ईयर्स। जो चीज़ें शायद लाइफ में नहीं पता थी अब वो पता लगी, तो काफ़ी सही है। मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आ रहा है यार, अगर तुम अपने घर में ही होना, यू हैव टू लीव योर होम एनी टाइम सून। 12वीं के बाद भाई निकल जाओ घर से, निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कॉलेज कहीं और पे ले लो, अपना बीटेक का कॉलेज ले लो, या फिर बाहर आ जाओ, कोई इशू नहीं है। लिटरली बहुत अच्छी जगह है भाई, लिटरली आई थिंक कैनेडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई हैव अराइव्ड हियर, आई हैव कम टू नो व्हाई पीपल, दिस इज जनरल ब्रो, लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी इतना सेटलमेंट भी नहीं है मेरी यहाँ पर, बट स्टिल आई थिंक कि पीपल कैन डू मच 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 थिंग्स ओवर हियर, लाइक काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, स्टडी के मामले में, बिजनेस के मामले में,
जॉब्स के मामले में काफ़ी चीज़ें. एंड ऑफ कोर्स कैनेडा अगेन इज अ गेटवे टुवर्ड्स स्टेट्स, टुवर्ड्स यूएस, और टेक का जितना भी सीन है यूएस के अंदर इट्स लाइक सुपर ऑसम. तो एनी हाउ कमिंग बैक टू द कायरो जर्नी, 3 घंटे का कतर पे लेओवर था दोहा पे, उसके बाद फिर अगेन वी हैड अ फ्लाइट बाय कतर. इट वॉज अ बोइंग, दिस टाइम इट वॉज अ बोइंग, कतर के ऊपर दोबारा फ्लाइट थी. एंड देन वी वेंट टू कायरो. कायरो के ऊपर हम पहुंचे, कायरो पे पहुंच के थोड़ा अलग सीन हुआ. कायरो पे पहुंचने वाला सीन नेक्स्ट वीडियो में.